मूर्ति में अलग अलग स्थानों पर सिक्के लगाए गए हैं। एक दफ्ती में सिक्का बीचों बीच केंद्र में लगा है, दूसरी दफ्ती में सिक्का किनारे की ओर लगा है। अब इन दोनों को हम एक निश्चित ऊंचाई से, बराबर ऊंचाई से दोनों दफ्ती को लेकर जमीन में गिराते हैं। नीचे देखो, इन दोनों दफ्तियों में होगा यह जमीन पर पहले नीचे गिरेगी और वायु के गतिरोध के कारण बीच में लगने वाले सिक्के वाली दफ्ती बाद में नीचे आएगी।